लिटरली भाई इस वेब सीरीज ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि इस तरह की वेब सीरीज बनाना पॉसिबल है जिसमें आपको कोई भी न्यूड सीन किसीज वगैरह कुछ भी इस तरह की चीजें ना देखने के लिए मिले और उसके बावजूद सीरीज काफी ज्यादा अच्छी हो। और भाई मैं बात कर रहा हूँ द जेंटलमैन वेब सीरीज के बारे में जो कि 7 मार्च को नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी जो कि सेम नाम से 2019 में भी आई थी। देखो भाई इस तरह की बहुत ही कम वेब सीरीज देखने के लिए मिलती है जिसमें आपको रोमांस ना दिखाया जाए और उसके बावजूद वेब सीरीज आपको काफी ज्यादा अच्छी लगे, स्टोरी अच्छी लगे, उसके अच्छे लगे। ये वेब सीरीज उन्हीं में से एक है। वेब सीरीज में स्टोरी दिखाई गई है एडी नाम के बंदे की जो कि आर्मी में काम करता है बट उसके फादर की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है जिसके बाद उसे अपने घर वापस आना पड़ता है। और भाई उसका घर कोई नॉर्मल सा नहीं था भाई, वो बहुत नवाबों की फैमिली से आता था, मतलब बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां, काफी बड़ी जायदाद उसके पास थी। तो जैसे ही एडी के फादर गुजरते हैं तो उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी लॉस में चल रही है और उनके ऊपर काफी अच्छा कर्जा भी है। एडी के फैमिली में एडी का भाई फ्रैंक रहता है, उसकी माँ रहती है और उसकी एक सिस्टर रहती है। उसी वक्त वेब सीरीज में होती है सुजी नाम की लड़की की जिसका धंधा था गांजा उगाना और उसे बेचना। उसका जो प्लेटफॉर्म था यानी जिस जगह वो उगाती थी वो यहाँ पर एडी के घर के नजदीक थी यानी कि एडी के प्रॉपर्टी के अंदर आती थी जिसके बदले में वो एडी के फादर को अच्छा खासा पैसा देती थी। जब ये बात एडी को पता चलती है और एडी ये चीज देख के काफी ज्यादा शौक था, अब वो क्या क्या करता है उस धंधे को अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकलवाने के लिए, ये सारी चीजें आपको वेब सीरीज में देखने के लिए मिलेंगी। और जैसे ही आप लोग पूरी वेब सीरीज देख के खत्म कर लेते हो जिसमें 8 एपिसोड दिखाए गए हैं और हर एक एपिसोड की लेंथ आपको 40-50 इस तरह की देखने के लिए मिलती है, तो उसके बाद हम लोगों को ये पता चलता है कि नहीं भाई जो सच में वेब सीरीज का नाम है द जेंटलमैन इस वेब सीरीज के ऊपर पूरा अच्छे से सूट करता है। और देखो भाई इस वेब सीरीज को देखते टाइम मुझे जॉन विक मूवी की याद आ रही थी क्योंकि जैसे अगर आप लोगों ने जॉन विक मूवी देख रखी होगी तो उसमें हमारा जॉन विक जो कैरेक्टर है भाई वो सूट बूट में रहता है एज अ जेंटलमैन और जेंटलमैन बन के ही सभी लोगों को मारता पीटता है। उस बंदे को देख के कोई भी नहीं बोलेगा कि भाई ये गुंडा मवाली है, ये बंदा ऐसा काम कर भी सकता है, बट असलियत में हम लोगों को पता ही है कि भाई वो क्या क्या कारना में करता है। सेम एज इट इज आपको इस वेब सीरीज की स्टोरी में देखने के लिए मिलता है। और साथ में इस वेब सीरीज का सबसे मेन पार्ट जो मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में ही बता दिया कि भाई इस वेब सीरीज में आपको कोई भी रोमांस कोई भी न्यूड सीन देखने के लिए नहीं मिलता है, बट छोटा सा एकदम 2 सेकंड का आपको हल्का सा न्यूड सीन देखने के लिए मिलता है, वो भी पूरा नहीं बट आपको हल्का सा दिखाया जाता है। मतलब ऐसा समझ के चलो कि वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा। इस वेब सीरीज को आप अपनी पूरी फैमिली का देख सकते हो, बस उस सीन को हल्का सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। और ओवरऑल वेब सीरीज काफी ज्यादा अच्छी थी बट मुझे बीच बीच में बोरियत सी महसूस हो रही थी क्योंकि जिस तरह से मैंने सोचा था कि उस तरह की वेब सीरीज होगी उस तरह की वो नहीं थी। मतलब इसका पोस्टर देख के जेंटलमैन मतलब मुझे लगा एकदम सूट बूट में कोई फाइट टाइप की चीजें होने वाली है वेब सीरीज में, होती हैं बट उस लेवल पे नहीं होती हैं। हमको बस हल्का फुल्का ही आपको एक्शन देखने के लिए मिलता है जो कि आपको शायद मजा दे सकता है और नहीं भी दे सकता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे कैसी लगी ये वेब सीरीज, तो मुझे कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज में रोमांस और एक्शन की कमी लग रही थी क्योंकि हम लोगों को हर एक वेब सीरीज हर एक मूवी में एक्शन और रोमांस अच्छा खासा दिखाया जाता है जिसकी इस वेब सीरीज में कमी थी। और ये दोनों चीज अगर इस वेब सीरीज में दिखा दी जाती और मूवीज और वेब सीरीज की तरह बन जाती जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती क्योंकि हम लोगों को अच्छा और यूनिक और फ्रेश कंटेंट देखने के लिए नहीं मिलता। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ इसका पोस्टर देख के धोखा मत खाना, मैंने आपको बता दिया कि इसमें को किस तरह की स्टोरी और किस तरह का कंटेंट देखने के लिए मिलने वाला है। और आई होप अभी तक तो आप लोगों में से बहुत सारे बंदों ने ये वेब सीरीज देख ही ली होगी, तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट करके कि आपका क्या सोचना है इस वेब सीरीज के बारे में।